फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पहले मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जा करके आप उसको भी देख सकते हैं प्ले में आपको मिल जाएगा बी फर्स्ट ईयर नाम से प्ले है हमारे चैनल पर तो यहाँ पर हम अपना वीडियो शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन है वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है यदि कब करती है तो जब दाब निम्न और तथा ताप उच्च होता है मतलब पी मिनिमम होता है और टेम्परेचर मैक्सिमम होता है जब आदर्श गैस साम्यावस्था में हो तो निम्न में से कौन सी राशि का औसत शून्य हो सकता है तो संवेद का शून्य हो सकता है अगला है क्वेश्चन आदर्श गैस के लिए पी और पी के बीच खींचा गया ग्राफ होता है तो पी अच्छे के समांतर होता है मतलब पी के पैलर होगा ठीक है पी अच्छे के समांतर एक सीधी रेखा होती है अगला क्वेश्चन है नियत आयतन पर ताप में वृद्धि करने पर टक्करों की आवृत्ति जो है वो बढ़ जाएगी मतलब जब वी कॉन्स्टेंट होगा वी कॉन्स्टेंट होगा तो क्या होगी न्यू मतलब आवृत्ति बढ़ जाएगी ठीक है वी बराबर आप लोग बताइए क्या होता है मुझे कमेंट करके अगला क्वेश्चन है गैस के गति सिद्धांत की अवधारणा नहीं है तो यहाँ सभी अणु समान चाल से गति करते हैं गलत है बाकी गैस के अणुओं द्वारा घिरा गया आयतन नगण्य है ये सही है अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है ये भी सही है अणुओं के बीच संगठन सॉरी संगठ्य प्रत्यास्त होता है ये भी सही है गैस के अणुगत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो ये मैक्सवेल ने किया था आपको बहुत ही याद रखने वाली चीज़ें हैं ये आदर्श गैस और वास्तविक गैस में मुख्य अंतर क्या है तो अवस्था संकरण है इसमें मुख्य अंतर गैस की गति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु क्या होते हैं पूर्ण प्रत्यास्त दृढ़ गोलाकार पिंड होते हैं ये हमारा बी फर्स्ट ईयर का चल रहा है जो फर्स्ट चैप्टर का फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव तो जो है आप इनको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपके बी एस सी सेकेंड ईयर के नंबर भी फर्स्ट ईयर के बेसिस पे दिए जाएंगे जैसा कि फर्स्ट ईयर के पेपर तो हो नहीं पाए थे पूरे तो इसलिए इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आप इनको चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं नहीं नोट करना है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप पढ़ने के लिए ओके अगला क्वेश्चन है अंतराणुक बल का मान सबसे कम किसमें होता है तो आदर्श गैसों में सबसे कम होता है अंतराणुक बल तो आपने पढ़ा होगा ना आदर्श गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा होती है तो केवल गति ऊर्जा ही उसकी कुल आंतरिक ऊर्जा होती है अगला क्वेश्चन है एस के लिए होना चाहिए पी वन एटम वी टू टू फोर एल टी कितना होना चाहिए जीरो डिग्री सेंटीग्रेड गैस के गतिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है मतलब कौन सा गलत है ये आपको बताना है तो गैस के अणु लगातार अप्रत्यास्त रूप से टकराते हैं ये गलत है ठीक है तो आपको सही वाले याद रखने हैं सही क्या है गैस के अणु सतत यादरक्षित गति करते हैं बिल्कुल सही है अणुओं की टक्कर में लगने वाला समय बहुत कम होता है टक्कर के अतिरिक्त अन्य किसी समय अणुओं के मध्य कोई बल कार्य नहीं करता ओके गैस का अणुगत सिद्धांत चार्ल्स के नियम बैल के नियम पढ़ा है ना आपने चार्ल्स बैल का नियम इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए बी कांस्टेंट होगा पी कांस्टेंट होगा मैंने बताया है गैस समीकरण पी वी बराबर आर टी में वी का आयतन क्या होता है तो एक ग्राम मोल गैस का होता है अगला क्वेश्चन गैस के गति सिद्धांत द्वारा परम शून्य ताप है तो अणुओं की गति शून्य हो हो जाती है ये है अगला क्वेश्चन है अड़ुग सिद्धांत में गैस के अणुओं की प्रत्यास्था टक्कर के लिए कौन सा कथन असत्य मतलब गलत कौन सा है तो पहला वाला गलत है ठीक है इसमें आप याद रखिए गति कांस्टेंट रहेगी पी भी कांस्टेंट रहेगा संवेग मतलब पी बराबर एम वी वो भी कांस्टेंट रहेगा संचित रहेगा यदि किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का आयतन और दाब आधा कर दिया जाए तब इसका क्या होगा इसका एक चौथाई तब इसका ताप एक चौथाई हो जाएगा ऑप्शन भी सही है आदर्श गैस में बायल के नियम का पालन होता है तो समतापी परिवर्तन में होता है एंटी नंबर क्वेश्चन है ताप परमदाप और घनत्व के पद में गैस समीकरण है तो पी वन डी वन टी वन इक्वल टू पी टू डी टू डी टू है पायल का नियम देखिए यहाँ पे पायल का नियम पूछा गया है यहाँ देखिए टी कांस्टेंट है टी कांस्टेंट है यहाँ पे इसीलिए पी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी है ठीक है ये या आपको याद रखना है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय भारत